alaikum dear students. How are you? All are fine. We are doing unit number 3, which is about fractions. We do exercise 3b. Today our question is question number 7. Change these into mixed fraction. हमने इन क्वेश्चंस को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. ये सिंपल फ्रैक्शन दी हुई है, हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे. 9 को डिवाइड करेंगे 2 से. तो हमने डिवाइड के लिए लिख लिया इसको. अब 2 के टेबल में 9 तो नहीं आता. 9 से छोटी वैल्यू क्या आती है? 8. तो हम 2 का टेबल वहाँ तक पढ़ेंगे जहाँ तक 8 आ जाए. 2 4 8. अब 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 1 रह जाएगा, जो रिमाइंडर आ जाएगा. ठीक है, रिमाइंडर में अब हमारे पास, अब हम इसे कैसे लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में? यहाँ से इस साइड को ऐसे लेकर आएंगे. ठीक है, फर्स्ट हमारे पास रिमाइंडर, हमने ऊपर लिख लिया आंसर उसे साइड पे, और जिससे डिवाइड किया था डिवीजन वैसे की वैसे आ जाएगा. तो ये हमारे पास क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया. नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है जी, विच इज़ अबाउट 8/5. हमने 8 को डिवाइड करना है 5 से. तो हमने डिवाइड करने के लिए लिख लिया उसको. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिवाइड करेंगे तो 5 1 5. 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 रिमाइंडर आ जाएगा. अब जो रिमाइंडर है, हमने मैंने आपको बताया कि हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, कि जो रिमाइंडर है हम उसे ऊपर लिख लेते हैं, आंसर हमारे पास जो है वो साइड पे आ जाएगा, और जिससे डिवाइड करे था वो वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा. तो ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा. रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं वो आप अपनी नोट कॉपीज़ पे नोट करेंगे. थैंक यू.